अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका। आपका अपने जल्दी इसका नाम रूस ब्रेकर्स, और गाइस आ गया हूँ वापस रूस ब्रेकर्स, जो कि आप सबको पता है उस्मान होके। और आज की वीडियो लेके आया हूँ है लिविंग इन अ बोट फॉर 24 आवर पार्ट टू। ये मोर ब्लॉग इसका पार्ट वन भी था। लिविंग इन बोट पार्ट वन कब आया था वो मुझे नहीं याद, लेकिन ये हम देखेंगे वीडियो फिर करेंगे इसके बारे में बात। तो स्टार्ट करते हैं अब। लेकिन लिविंग इन बोट पार्ट वन कब था, मैंने दिया उस पर रिएक्शन की नहीं दिया, पता नहीं। अब देखते हैं वीडियो फिर करेंगे इसके बारे में बात। स्टार्ट करते हैं अब। फेंक इसको पानी में। फैमिली, आपने हमारा लिविंग इन बोट देखा है फॉर 24 आवर्स, ये वाला जो हमने किया था मुंबई में। देखिए वहाँ पर बोट तो अच्छी थी, लेकिन इस बार जो हम करने जा रहे हैं वो कोई सौखा काम नहीं है। क्योंकि अब हम जो करने जा रहे हैं वो ये है। यार देखो मुझे थोड़ा डर लग रहा है, इन्होंने कहा यहाँ पे ब्रो अंदर मगरमच्छ भी है। ओए हमसे बड़ा कोई मगरमच्छ है, पूछो दुनिया वालों से। जब आएगा ना तो तब देखना लड़ी। तो फिर शुरू करते हैं हमारा लिविंग इन बोट पार्ट टू फॉर 24 आवर्स। आज का जो हमारा चैलेंज पॉसिबल हो पाया वो बिकॉज ऑफ परमजीत पाजी हो पाया। पाजी पहले मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि हम तीनों में से कौन सबसे ज्यादा इसमें रह पाएगा। दीक्षा yes! देखो इसकी शक्ल में मत जाओ, इसकी शक्ल ऐसी है। Oh my God! हम निकल चुके हैं फैमिली यहाँ से, और आज का पायलट है आपका संजय दत्त। खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। बाय बाय गाइस, वी विल सी यू सून। बाय बाय, थैंक यू। यार डर सा लग रहा है क्योंकि जूडी को ये डंडा ये बस हमारे पास। ओह कि हमारे जो पायलट है उन्हें अच्छे से चलाना आता है। यार मैं पहले बोट चलाता था पता। इसको चलाते कैसे थोड़ा सा बता दे, इसको कैसे कैसे मारना, कैसे पीछे से लगाओ इसको, पहले पीछे से ऐसे घुमाना है। ओ तू खुद ही ना नीचे गिर जी। लेकिन आया नहीं डंडा, एक्सचेंज कर लो। जो है क्या कर रहा है तू, डंडा एक्सचेंज कर रहा हूँ मेरे ऊपर तू चढ़ रहा है। अरे डंडा मैन, वाह पाजी की बोर्डिंग बहुत बढ़िया है। चले पाजी हमें को नहीं ऐसी बोट मिली क्योंकि वो कंफर्टेबल है। नहीं वो लकड़ की है और उसमें पानी आ जाता है। ओ मैं लेकर आया हूँ ब्रेड, ब्रेड जैम। ऑर्डर कर लेंगे ज़ोमैटो वालों को, भैया इधर से पकड़ा दो जरा। ठीक है मैं अपने साथ लेके आया हूँ फिशिंग रोड। अरे उन्होंने बोला ये रिवर में बहुत सारी फिश है पता है, हम फिशिंग कर सकते हैं। मैं पहले अपना एक कंघी लेके आई हूँ, हवा ज्यादा हो जाए तो। यार इसकी हमेशा फुद्दू चीजें क्यों निकलती है, देखो स्पॉन्ज होना चाहिए। जब डूबेगी ना तो मेकअप करके डूबना। अगर मैं डूब गई और मेरे कपड़े गिले हो गए तो आई गॉट माई क्लोथ्स टू। और फैमिली अगर कान में ज्यादा खुजली हो तो मेरे पास कान की टिप्पी है। फैमिली संजय ने मच्छी पकड़ ली, मछली क्या है। फैमिली इट्स अ चारा मैन, ये एक्चुअली मच्छी को धोखा देने के लिए कि पुआ आई है। देखो हम ये भी है मेरे पे, ये भी हम डाल सकते हैं बीच में। यार ये बड़ी ये साला मगरमच्छ ना पकड़ने में बता रहा हूं। फैमिली सबसे पहले आपको मच्छी की बुआ को ऐसे बीच में रस्सी डालेंगे। हाउ डू यू नो इट इज मच्छी की बुआ ओनली नॉट मासी, और ऐसे बुआ को ऐसे करके इसकी बुआ। नाइस क्वेश्चन चाची। तो फैमिली मेरा मच्छी का रेडी हो गया है, अब मैं करूंगा स्विमिंग, अभी कह रहा हूं फिशिंग। ओ वो चलो रुक लिया तो ऐसे को। फैमिली इधर कोई भी स्नेक भी आ सकते हैं, आप ये सब अपने मतलब ट्राई मत करना। और भैया ने इधर रोक तो लिया है फैमिली, क्योंकि हमारी बोट बहुत स्पीड में जा रही है और आगे बहुत बड़ा वाला रिवर आने वाली, बहुत बड़े लेवल वाली, उस पे नहीं हम जा सकते बिकॉज़ वो रिस्क है। हम खुशी खुशी में
मेरे आगे तक आ गई है। So, अब हम करेंगे मेडिटेशन। पहले हाथ ऐसे रखें। कैसे रखने हैं? हमें दिख नहीं रहे। ऐसे। ये ऐसे करना है। ऐसे। और दूसरा हाथ यहाँ पर। और फिर हाय हुक्कु हाय हुक्कु हाय 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 हुक्कु हाय। फैमिली अब हम एक और गेम खेलने वाले हैं जिसका नाम है ग्रैंग ग्रैंग ग्रैंग। फैमिली बेसिकली ये पंजाबी में हम लोग ना बचपन से खेलते आ रहे हैं। इट्स बेसिकली कि हम लोगों को ना ऐसे नंबर्स लेने हैं। जैसे मैंने लिया 5 और डूडी आपने कौन सा लिया? 15। मैंने लिया 10। ठीक है तो फैमिली हम लोग सभी ऐसे रखेंगे। ये 5 हो गया तो अगर मैंने दोनों साथ में कर दिया ये सारे हो गए 30 हो गए। जैसे जिसका भी टर्न आएगी ना भाई 10 हुआ तो अगर संजय की टर्न आएगी तो संजय का थप्पड़ खाना। ग्रैंग ग्रैंग ग्रैप। बस संजय की टर्न। हेलो बस आई मेड इट। चलो ग्रैंग ग्रैंग ग्रैप। चलो ग्रैंग ग्रैंग ग्रैप। 15 आज पजी पुट्टू ते मार नहीं मार मार चल गई। ग्रैंग ग्रैंग ग्रैप। ओके क्विक होगा। ग्रैंड 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 बहुत ही कंजस्टेड सा टेंट लगेगा बट लग जाएगा। सो फैमिली इस तरीके से हमारा टेंट तैयार हो चुका है। अब हमें सिर्फ जो गुजारने हैं रात वो अंदर गुजारेंगे क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। सो विल सी यू इनसाइड। कम ऑन। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि अंदर थोड़ी हीट लग रही है, ठंड नहीं लग रही है। बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी फैमिली। अंदर एकदम गर्म मैं नहीं गया पता अंदर। पहली बार टेंट अच्छा लग रहा है मुझे कि यार मैं फैमिली ये सोच रहा हूँ कि बहुत कमाल की बात है कि जितनी बोट है उतना ही टेंट है। दिस इज सो अमेजिंग। परफेक्ट फिट हुआ है पता है बोट पे अपना। और ये जब चीजें परफेक्ट होती है ना तो ये ऐसा लगता है कि ये भगवान ही ये चीज करवा रहा है। यस एकदम। कैसा रहा सुसु बोतल में करके? Family attend number one has been failed because it's so cold outside. It like you know when I tried I opened my zip and it just freezed. Everything just cold. एक साइड पे बैठो है। ओए एक साइड। भाई यार बोट है घर नहीं। भाई रात सारा बैलेंस ही करते रह जाएंगे क्या? I swear to God ऐसे ही करना पड़ेगा डूडी। रात को सोना भी ऐसे ही है। रात बाकी है फैमिली। आपको बाहर के शॉट दिखाते हैं। ये देखिए क्या देख रहे हैं? अंधेरा है क्या दिख रहे हैं आपको? दिखता ही नहीं है। You can have this। जानवर होगा कोई। ये जनाब जी अपना घर समझ के बैठ गए हैं। मतलब इनको लगता है कि ये घर पे ही है ना अपने रूम में सो रहा है। पर कोई मतलब इसको कोई बताओ यार ये घर पे नहीं है बोट पे है भाई। सबसे डिफिकल्ट बात ये हो रही है इस पूरे चैलेंज में कि एक तो हम लोग तो अंदर है ही हैं। हम लोगों को ठंड नहीं इतनी लग रही है। ठंड जीरो लग रही है मैं आपके मुंह पे बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी टीम है वो बाहर सो रही है। इतनी ठंड में नहीं हमने उसको सुलाया है। वो उन्होंने अपना भी पूरा प्रॉपर शेड बना दिया है कि मतलब उन्होंने प्रॉपरली अपने अंदर से यू नो कवर कर लिया है चारों तरफ से और अपने यू नो चारपाई लगा के उसके ऊपर प्रॉपर रजाई एंड ऑल उन्होंने रख ली है। सो फैमिली आप देख सकते हो वो भैया है उन्होंने सुसु कर लिया है बोतल में। ये तो बाहर रखो सुसु वाली बोतल। भैया आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। सो फैमिली हमारे पास कुछ करने के लिए कुछ है नहीं। रात के बज गए 1 और हम इतने बोर हो रहे थे और इंताक्षरी से याद आया फैमिली ढूंढने चेस्ट भी पड़ा गंदा पद मारा है फैमिली। संजय ने मारा है फाट मारा है।
इसने पत मारा, देखो नीचे मच्छियां सोई हुई थी वो भी हिल गई। ये भूकंप आ रहा है। शाम 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 तेरा म म It's about drive, it's about power, if you're still hungry, we devour, put in the work, put in the hours, and take what's ours. It's about drive, it's about power, we stay hungry, we devour. ये कौन सा गाना है भाई? अरे रॉक ने गाया हाँ रे। मैं पेरू। टोर्च की चालू देखो। वाह। तड़ सुन बेखबर सुन बेखबर आपसे तो हमने जुड़ी सुर भी सोचे थे आप तो सिंगर होके बगारे सुन बेखबर इससे अच्छा तो मैं तालियां होनी चाहिए, सॉरी गालियां होनी चाहिए। तो पता है मैं पूरा सोया नहीं हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा था उठ के। जरा आप फिर से लगाना थोड़े से संजय के स्नोरिंग करते हुए के शॉट। इरिटेट हो गया, अब हम खाएंगे थोड़ा सा नाश्ता जो खुद ही बनाया है हमने, थोड़ा सा चकर पकर बनाया है। क्या बनाया है? इंग्लिश ब्रेकफास्ट। हाँ हाँ हाँ, ठंडे ठंडे दूध में जब मूसली पड़ जाए तो बात बन जाए। मुझे पता क्या लग रहा था कि हम क्या होगा हमेशा, मुझे लगा था कहीं यू नो व्हाट इफ रस्सी टूट ना जाए। वो तो ठीक है मुझे, पर एक चीज समझाओ, वो ऐसे पानी नहीं छोड़ सकते। हाँ इसमें मैप दिखाया, ये देखो ये है मैप, हम इस वक्त यहाँ पर है। कचरा आ गया, उठाओ। ये हमारा कचरा। आप भी जहां पर भी जाए, जहां पर भी कचरा दिखे आपको समुंदर में, प्लीज उसके उठाकर अपने पास रख ले। ये होती है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक ऐसी प्रकार की, एक सेकंड रुको यार, ये सब सबको बता, इतने नॉलेज की दे रहे, बस फैमिली कहा कहीं कचरा दिखे तो उठा लेना बस। यस यस, बाकी यू कीप द सी क्लीन, कीप द सी ग्रीन। आप जैसे कि देख सकते हैं कुछ ही मिनट बाकी है हमारे में, एनर्जी बिल्कुल नहीं कम हुई है क्योंकि घर जाने की खुशी और उसके बाद हगने की खुशी का मजा ही कुछ और। यार कुछ करके यार क्विट करो डूडी, ऐसे ना करो यार। यार देखो जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरे को ये चैलेंज जीतना है और आई एम नॉट क्विटिंग। मेरे पे पैसे लगे यार सबके, कुछ ही मिनट ही रह गए चैलेंज को खत्म होने के लिए ब्रो। I guess हमें वो hardest challenge करना ही पड़ेगा। Yes, we have no other choice but to do that. But वो यहाँ पर कैसे करेंगे? It is very difficult यार। I know. 40 रुपए का सोच रहे हो? हमारे पास एक हथियार है क्योंकि कोई भी हार नहीं मान रहा है। Yes. अब लगता है उस हथियार का यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ समुन्द्र में उसको करना, उस टास्क को करना बहुत डिफिकल्ट है। आप भी घर पे मत कीजिएगा। फैमिली आपको पता नहीं है, इट इज वेरी डेंजरस। हमने हर एक से परमिशन लिए करने के लिए, बिकॉज़ इट्स सो डेंजरस इन द सी, बिकॉज़ बहुत ज्यादा यू नो है, वेरी डेंजरस। देयर इज नथिंग एल्स गाइस, कम ऑन लेट्स डू। जीतने के लिए करना ही पड़ेगा यार। Rock paper scissors shoot. Rock paper scissors shoot. Rock paper scissors shoot. Rock paper scissors shoot. कुछ नहीं करना है आपको, कमेंट करके लिखना है किसका ज्यादा सबसे अच्छा बढ़िया सर्वाइवल था। आप कमेंट करके लिखो कौन जीता है चैलेंज। साले तेरा ही आइडिया था रॉक पेपर सीजर का। तो भी आप तो भी कमेंट करके लिखेगी कौन जीता है चैलेंज। एवरीवन उस
यार बैक दुख गई फैमिली, यार मैं जीता हूं यार। बैक दुख रही है मेरी, गर्दन भी नहीं यार, मैं सही से लेट पाई हूं जस्ट बिकॉज ऑफ यू बोथ। फेंक इसको, फेंक इसको पानी में। आओ चलते हैं। ओके तो वीडियो की बात कर लूं आज। हम लोगों ने काफ़ी यार बोट वन मैंने नहीं देखा हुआ, मुझे सही तरह याद नहीं है, आप लोगों को पता होगा, आप लोग बता सकते हैं मुझे तो प्लीज़ बताइएगा। उसके अलावा वीडियो की आज की बात करें तो वाकई में ये ख़तरनाक था, क्योंकि ओपन में ऊपर रिवर में था तो पानी भी आ सकता था डैम से, जैसे कि बोला चलो वैसे नहीं छोड़ सकते लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता था, जैसे आगे चले गए। लेकिन चलो इनके पास सेफ्टी का पूरा सिस्टम होता है तो पूरी टीम इनके साथ थी। लेकिन दो सीन मुझे बहुत ही, दो नहीं तीन सीन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे, ठीक है, जो कि मज़ा आ गया। पहला सीन सोचो कौन सा होगा, वो जो पाद वाला, समझ गए, ठीक है, जो संजय ने छोड़ा था, ठीक है। उसके अलावा अंताक्षरी वाला भी मुझे अच्छा लगा, और लास्ट में जो दिखाया, जो लास्ट में नहीं बीच में दिया, जब संजय पूरी रात सोता रहा, संजय एक्चुअली अब बात करूं तो वो मेरे तरह सुस्त बनता है, उसको नींद अपनी पूरी करनी होती है, जो मर्जी हो जाए नींद पूरी हो हमारी, सही है ना। उसके अलावा वीडियो अच्छी थी, मज़े वाली थी, मैंने इन्जॉय किया, आई होप कि आपने भी इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय किया जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्टें ज़रूर बताते रहा करें। बाकी इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में। अपने भाई को हमेशा प्यार और सपोर्ट ऐसे ही देते रहेंगे। लव यू, टेक केयर।